हेलो गाइस, माय सेल्फ योगेंद्र शर्मा अगेन वेलकम्स यू इन माय चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस। यस्टरडे एज आई टोल्ड यू दैट आई वुड कम विद द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ सेकंड चैप्टर दैट बिलोंग टू योर बुक फ्लेमिंगो। सो हियर इज योर क्वेश्चंस एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। साहिब गार्बेज का जो डंप था, जो ढेर था, उसमें क्या देख रहा था कूड़े करकट के ढेर में। वेयर इज ही, वह कहाँ है, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वह कहाँ से आया है। तो इसका आंसर है बेटा, साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। साहिब गार्बेज डंप में अर्थात कूड़े करकट के ढेर में सोने की तलाश में, हेयर गोल्ड स्टैंड्स फॉर मनी, पैसे की तलाश में है। तो ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, जो इस पाठ के ऑथर हैं उनके पड़ोस में ही वो रहता है। साहिब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, साहिब बांग्लादेश से आया है। ही केम विद हिज मदर इन 1971, और अपनी मदर के साथ वो 1971 में आया था बांग्लादेश से। हिज हाउस वॉज सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उसका घर ढाका में जो हरे भरे खेत थे उनके बीच में बना हुआ था। स्टॉर्म्स स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, और एक तूफान आया जो उनके घरों को और उनके खेतों को भी उड़ा करके ले गया, बहा करके ले गया। सो दे लेफ्ट द कंट्री, इसलिए उन्होंने अपने देश को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। तो लेखक कौन सी एक्सप्लेनेशन देता है जिसमें बच्चे फुटवियर नहीं पहनते हैं, चप्पल आदि नहीं पहनते हैं। तो इसका आंसर है, वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाई द ऑथर इज दैट इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट। तो लेसन के अंदर जो एक एक्सप्लेनेशन ऑथर ने दी है वो क्या दी है कि इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, नंगे पैरों रहने की एक परंपरा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, पैसे का कोई अभाव नहीं है। ही वंडर्स इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। वो इस बात पर आश्चर्य करता है कि यह एकमात्र लगातार गरीबी दिखाने का एकमात्र तरीका बना रखा उन्होंने। ही ऑल्सो रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ ए पुअर बॉय हु प्रेड टू द गॉडेस फॉर ए पेयर ऑफ शूज। उसे एक बेचारे लड़के की एक कहानी भी याद आती है जो देवी के सामने जो एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता रहता था। क्वेश्चन थर्ड, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहिब टी स्टॉल पर वर्क करने में हैप्पी है, खुश है, इसका एक्सप्लेन करिए। और देखिए बता दूं मैं आपको, दिस क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स, बार बार पूछा जाता है, इट इज आस्क्ड टाइम एंड अगेन। तो इसका आंसर क्या है, नो, साहिब खुश नहीं था। साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, टी स्टॉल पर काम करते समय वो खुश नहीं था। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वह अपना खुद का मालिक नहीं है। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो लापरवाह जो झलक थी उसके चेहरे पर वो अब जा चुकी थी लापरवाही भरी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, और ये जो स्टील का कैनिस्टर था, स्टील का जो कनस्तर था वो अब उस प्लास्टिक के बैग से भारी दिखाई देता था जो प्लास्टिक का बैग वह अपने कंधे पर ले जाया करता था। द बैग वाज हिज, बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, जबकि ये जो कनस्तर है वो उस व्यक्ति का है जिसकी ये चाय की दुकान है। नाउ वी मूव टू वाच द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन। सेकेंड पार्ट में क्या था उसको देखते हैं। अब उसके क्वेश्चंस हैं, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद का जो शहर है वो प्रसिद्ध क्यों होता है। तो उसका आंसर है, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, अपनी चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद का शहर प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद में प्रत्येक परिवार चूड़ियाँ बनाने में एंगेज रहता है, व्यस्त रहता है, लगा रहता है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और यह है भारत की जो कांच ब्लोइंग इंडस्ट्री है, कांच का जो उद्योग है उसका एक केंद्र है, माना जाता है। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी भट्टी के आसपास काम करने में गुजार दिए हैं, जिसमें वेल्डिंग ग्लासेस, ग्लास की वेल्ड करने में, मेकिंग बैंगल्स फॉर द वुमेन इन द हैंड, और महिलाओं की हाथों के लिए चूड़ियां बनाने में अपना पूरी जनरेशन लगा दी हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, ये जो कांच की जो इंडस्ट्री उद्योग है इसमें कठिनाइयों के बारे में उल्लेख करना है। थोड़ा सा इसका टेक्स्ट छोटा है, थोड़ा गौर से देखेंगे तो क्या उल्लेख है उसका।
Boys and girls with their fathers and mothers sit in the dark hutments. लड़के और लड़कियाँ छोटी छोटी झोंपड़ियों में, छोटे छोटे घरों में अपने माता पिता के साथ अंधेरे में बैठते हैं, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स. और कहाँ बैठते हैं? जहाँ दीपक जलते रहते हैं, दीपक की रोशनी होती है उनके आसपास, उनसे आगे बैठते हैं. दे वेल्ट पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स. तो जो कलर्ड ग्लास होते हैं उनको एक घेरे में, सर्कल्स में, जो चूड़ियाँ बना करके घेरे में वेल्ट करते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं उनकी. Their eyes are more adjusted to dark than to the light outside. उनकी जो आँखें हैं बाहर की रोशनी की बजाय अंधेरे में, अंधेरे को देखने में ज़्यादा अभ्यस्त हो चुकी हैं. They often end up losing eyesight before they become adults. और कभी कभी क्या होता है कि जवान होने से पहले, वयस्क होने से पहले उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है, अर्थात वो अंधे तक हो जाते हैं. Even the dust from polishing the glass of bangles is injurious to eyes. यहाँ तक कि ग्लास, कांच पर पॉलिश करते समय जो कांच की चूड़ियां हैं उसकी पॉलिश भी आंखों के लिए खतरनाक होती है. मैनी वर्कर्स हैव बिकम ब्लाइंड. बहुत सारे वर्कर, काम करने वाले अंधे हो चुके हैं. द फर्नेसेस हैव वेरी हाई टेम्परेचर. भट्टियों का जो तापमान है बहुत ही ज़्यादा है. एंड दे आर फोर वेरी डेंजरस. इसलिए बहुत खतरनाक भी है. थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली. तो मुकेश की जो सिचुएशन है वो किस तरह से अलग है, उसका एटीट्यूड क्यों अलग है अपनी फैमिली से, तो देखते हैं इसमें. मुकेश's grandmother thinks that the God given lineage can never be broken. मुकेश की दादी माँ ये सोचती हैं कि ईश्वर की द्वारा जो दी हुई लाइन है उसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात ईश्वर जो कुछ कर रहे हैं उसमें कभी भी दखल नहीं दी जा सकती है. हर सन एंड ग्रैंड सन्स आर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स. उनके बेटे और उसके जो ग्रैंड सन्स हैं वो चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा हुए हैं. दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स. उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ देखा ही नहीं है. मुकेश's फादर हैज़ टॉट देम व्हाट ही नोज. मुकेश के पिता ने केवल उनको क्या सिखाया है, केवल इतना सिखाया है जो वह खुद जानते हैं, अर्थात क्या, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला केवल. बट मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक. लेकिन मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. ही विल गो टू गैराज एंड लर्न. वह गैराज में जाएगा और वहाँ जा करके सीखेगा. दो द गैरेज इज फार अवे फ्रॉम हिज होम. यद्यपि उसके घर से जो गैरेज की दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है. कुछ और क्वेश्चन हैं इनके, जैसे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, इसके दो तीन क्वेश्चन और हैं तो वो देखते हैं. हम पहला क्वेश्चन देखते हैं. What could be some of the reasons for the migration of people from villages to cities? तो गांव से शहर के लिए लोगों का जो जाना होता है, पलायन होता है, उसके कुछ निश्चित कारण क्या हो सकते हैं? तो इसमें हम आंसर दे सकते हैं. People migrate from villages to cities in search of livelihood. लोग जो गांव से शहरों के लिए जो पलायन करते हैं वो अपनी आजीविका अर्थात रोजी रोटी की खोज में जाते हैं. वहाँ पर दे आर फील्ड्स फेल टू प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल. हैं उनके जो खेत होते हैं वो पूरी तरह से जो सर्वाइवल है, कहने का मतलब जो गुजारा है, उसके पूरे साधन मुहैया नहीं करा पाते हैं. सिटीज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. सिटीज जबकि रोजगार देते हैं, जॉब्स देते हैं और अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड है और भोजन आदि के दूसरे साधन भी मुहैया कराती हैं. शहरों में ऐसा होता है. द प्रॉब्लम इन केस ऑफ द पुअर इज़ टू फीड द हंग्री मेम्बर्स. और ऐसी स्थिति में समस्या क्या होती है कि गरीबों के लिए भूखे सदस्यों को खाना पीना देने की समस्या होती है. ऐसे में सर्वाइवल इज ऑफ प्राइमरी कंसर्न. इसलिए जो सर्वाइवल है वो प्राइमरी कंसर्न है, जो मुख्य चिंता है वो सर्वाइवल ही होती है. इसलिए गांव से शहरों को लोग जाते हैं. नाउ क्वेश्चन टू, वुड यू एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट. क्या इस बात पर आप एग्री करेंगे कि जो गरीब बच्चों के लिए जो प्रॉमिस किए जाते हैं क्या उनको वास्तव में निभाया जाता है. वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट्स नैरेटेड इन द टेक्स्ट. तो ऐसा आप कैसे क्यों सोचते हैं कि ऐसा इस कहानी में जो इंसिडेंट है नैरेटेड किया गया है टेक्स्ट में. तो आंसर है इसका, द प्रोमिसज मेड टू द पुअर आर रेयरली केप्ट. वास्तव में ही गरीबों के लिए जो वायदे किए जाते हैं मुश्किल से ही निभाए जाते हैं. द ऑथर आस्क साहिब हाफ जोकिंग. ऑथर साहिब से आधा मजाक करते हुए पूछती हैं वेयर ही विल वेदर ही विल कम टू हर स्कूल इफ सी स्टार्ट्स वन. कि यदि वो अपना स्कूल स्टार्ट करती है तो क्या वो उसके पास पढ़ने के लिए आएगा. साहिब एग्रीज टू डू सो.
साहिब ऐसा करने के लिए सहमत भी हो जाता है, राजी हो जाता है। ए फ्यू डेज लेटर ही आस्क्स इफ द स्कूल इज रेडी, कुछ दिनों बाद वह पूछता है कि क्या स्कूल रेडी है। द राइटर फील एम्बरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वॉज नॉट मेंट, तो जो लेखिका है वो इस बात को सुनकर के व्याकुल हो जाती है उस प्रोमिस को याद करके जो उसने पूरा किया ही नहीं था। प्रोमिस लाइक हर्स अबाउंड इन द एवरी कॉर्नर ऑफ देयर ब्लीक वर्ल्ड, तो उस तरह के जो वायदे हैं उनके उदासीन संसार में कहीं ना कहीं जो के त्यों रह जाते हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट फोर्सेस कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बंगाल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो ये षड्यंत्र रचती हैं कि फिरोजाबाद की जो बंगाल इंडस्ट्री है उसमें वर्कर्स गरीबी में ही रहें। तो देयर आर सर्टेन फोर्सेस कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बंगाल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, तो कुछ ऐसी निश्चित ताकतें हैं जो फिरोजाबाद की जो चूड़ी बनाने की जो उद्योग हैं उनमें जो वर्कर्स हैं उनको गरीबी में रखते हैं, और वो कौन कौन हैं। दीज इंक्लूड द मनी लेंडर्स, इसमें वो जमींदार हैं, द मिडिल मैन बिचौलिए हैं, द पुलिस मैन पुलिस वाले हैं, द कीपर्स ऑफ लॉ कानून बनाने वाले हैं, एंड द ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ अफसर लोग भी हैं, एंड द पॉलिटिशियंस और कुछ राजनीतिक लोग भी हैं। तो इनमें मनी लेंडर है, मिडिल मैन है, पुलिस मैन है, कीपर्स ऑफ लॉ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये सभी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। टुगेदर सभी मिलकर के दे इम्पोज ए हैवी बर्डन ऑन द चाइल्ड, बच्चों पर एक वो भारी भरकम बोझ थोप देते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, इट इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट देयर इज नथिंग मोर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट दिस। ओके, थैंक यू।